हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी सड़क 2 के बारे में। फ्रेंड्स, सड़क 2 जो कि 1991 की सड़क मूवी का सीक्वल है। आलिया भट्ट स्टारर ये मूवी रिलीज होने से पहले ही IMDb पे वर्स्ट रेटर फिल्म सिर्फ 1.1 रेटिंग पाने वाली मूवी बन गई थी। इसका ट्रेलर यूट्यूब पे सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो बन गया था। फ्रेंड्स, IMDb पे वर्स्ट रेटिंग पाने वाली ये मूवी 2015 के टर्किश फिल्म कोड नेम KOZ के क्लोजेस्ट पहुंच गई थी, जिसकी वर्स्ट रेटिंग थी 1.3। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान टाइम्स के रिव्यूअर्स ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि ये फिल्म 2020 की वर्स्ट फिल्म है। IMDb पे सिर्फ 15 रजिस्टर्स यूजर्स के कुछ ऐसे नेगेटिव रिव्यूज हैं जो कि जिनमें से मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक व्यूअर ने तो लिखा है इट्स एब्सोल्युटली ट्रैश। दूसरे व्यूअर का है इनटॉलरेबल एंड अनस्पीकेबल। एक व्यूअर का रिव्यू तो बिल्कुल नोटिस करने लायक है, जिसने क्वेश्चन किया है कि इज दिस मूवी अ जोक और व्हाट। फ्रेंड्स, महेश भट्ट की डायरेक्टर ये फिल्म, जिसमें आप उनकी डॉटर्स पूजा भट्ट और आलिया भट्ट के साथ संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर को देख पाएंगे, ये रिलीज होने से पहले ही ये मूवी फ्लॉप होती दिख गई थी। तो फ्रेंड्स, इतनी नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आप ये मूवी हॉटस्टार पे देख सकते हैं। मूवी की स्टोरी शुरू होती है रवि यानी कि संजय दत्त से, जिनकी प्रेमिका पूजा यानी कि पूजा भट्ट मर चुकी हैं और वो उनकी याद में दीवाने हो गए हैं, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है। और एक दिन वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। उसी बीच फिल्म में आलिया भट्ट की एंट्री होती है। आलिया भट्ट की फैमिली वाले उनकी जायदाद के पीछे पड़े होते हैं और आलिया भट्ट अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए कैलाश की तरफ जाती हैं, तो जिसके लिए वो टैक्सी ड्राइवर संजय दत्त को हायर करती हैं। यहीं से सड़क की यात्रा शुरू होती है। फ्रेंड्स, सड़क में संजय दत्त के कुछ सीन्स को हटा दिया जाए तो आलिया भट्ट और आदित्य रॉय की एक्टिंग बिल्कुल ब्लैंक है। बिल्कुल दोनों बिल्कुल लॉस्ट नजर आते हैं। लगता ही नहीं है कि कोई फिल्म चल रही है। कोई इमोशन नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, बिल्कुल दोनों के दोनों लॉस्ट दिखते हैं। फ्रेंड्स, मकरंद देशपांडे को बाबा बनाया गया है और उनको कुछ गेटअप महारानी जैसा ही दिया गया है। सो फ्रेंड्स, इस सड़क पे निकलना तो बेकार है, ना कोई नज़ारे दिखेंगे ना कोई मज़ा आएगा। सो बाकी अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो आप ये, जैसा मैंने बताया कि आप ये मूवी हॉटस्टार पे देख सकते हैं और मैं इस मूवी का ट्रेलर के लिंक आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।